Hello students, this is a revision of the singular and plural rules. So singular और plural हम सबको पता तो अब चल चुका है कि क्या होता है ना. सिंगुलर एक वचन, एक. प्लूरल बहुवचन, अनेक, बहुत सारे. ठीक है, तो कुछ रूल्स होते हैं, हम लोगों ने वीडियो में भी देखा. अब वो रूल्स को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए, हम सबको समझ में आ जाए कि करना कैसे है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. रूल नंबर वन, एड एस इन द एंड. जो शब्द है एक वचन, जब हम उसको बहुवचन में बना कन्वर्ट किया तो उसके पीछे क्या लग गया, एस. सिंपल, बॉय बॉयज, एक लड़का, दो भी हो सकते हैं लड़के, तीन भी और पचास भी और 50,000 भी, तो रहेगा क्या, बॉयज, बहुवचन बॉयज. अब गर्ल का क्या होगा, गर्ल का गर्ल्स, लड़की एक और बहुवचन क्या लगा पीछे, क्या लगाया आपने, एस, तो बहुवचन बन गया. ठीक है, गर्ल इज प्लेइंग, गर्ल्स आर प्लेइंग, लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही हैं. एड एस. रूल नंबर टू, वर्ड्स एंडिंग विद एच. तो बेटा ये एंडिंग का क्या मतलब हुआ, कि जो शब्दों के अंत में एस एच है तो उनको हम एस एच के बाद में बहुवचन बनाने के लिए क्या लगाया, ई एस. अब ये जो ब्रश लिखा हुआ है, ब्रश एस एच से खत्म हो रहा है, हो रहा है, बी आर यू एस एच. तो अगर हमें पता है जो शब्द एस एच से खत्म होता है बहुवचन बनाने के लिए, बी आर यू एस एच, क्या आएगा, ई एस. आगे है बुश, एस एच, वर्ड इज एंडिंग विद एस एच, प्लूरल फॉर्म बी यू एस एच ई एस. Now we know the formula. As said, say, ES lagega. Moving on to rule number 3. Words ending with CH. Ab SH ke baad a gaya CH. Jo shabd ant mein CH aata hai. So, hum uske end mein kya lagate hain bahuvachan ke liye? ES. Bunch. B-U-N-C-H. Bunch. गुच्छा, B U N C H E S, bunches. चर्च, C H U R C H, एक गिरिजाघर, बहुत सारे गिरिजाघर होंगे तो चर्चेस, क्या ऐड किया, E S. सिंपल, C H U R C H, वर्ड वही रहेगा, बदलेगा नहीं, उसके एंड में क्या लग गया, E S. सो दिस वाज रूल नंबर 3. रूल नंबर 4, वर्ड्स एंडिंग विद एक्स, एड ई एस इन द एंड. जो भी शब्द के अंत में एक्स आ जाएगा उसका बहुवचन बनेगा किससे, ई एस. बॉक्स, डब्बा, बॉक्सेस, डब्बे, बी ओ एक्स ई एस. फॉक्स, लोमड़ी, बहुत सारी लोमड़ियां होंगी तो foxes, F O X E S, क्या ऐड किया हमने, E S. रूल नंबर 5, वर्ड्स एंडिंग विद S और S S. तो कई बार क्या होता है, एंड में डबल S भी आता है वर्ड के, कई बार सिंगल S आता है, दोनों के अंत में अगर S या E S है तो हम क्या लगाएंगे, S नहीं लगाएंगे, E S, बहुवचन बनाने के लिए ई एस. एग्जाम्पल, बस, बसेस, लुक एट द स्पेलिंग्स, बी यू एस ई एस, बसेस. कंपस, सी ओ एम पी ए डबल एस, बहुवचन कंपसेस, सी ओ एम पी ए, क्या लगा, ई एस. सो रिमेंबर दिस, वर्ड्स एंडिंग विद एस or double S, we will add ES to make it
प्लूरल. नेक्स्ट नेक्स्ट रूल नंबर 6, वर्ड्स एंडिंग विद ओ विल एड ईएस टू मेक प्लूरल वर्ड्स. वेरी सिंपल एग्जांपल, पोटैटो, आलू, एक आलू, बहुत सारे होंगे तो पोटैटोज. एस लगाया क्या हमने? नहीं. क्या लगाया? ईएस, पी ओ टी ए टी ओ ई एस, पोटैटोज, बहुवचन. सिमिलरली टोमेटो, टी ओ एम ए टी ओ, एक टमाटर, बहुत सारे टमाटर होंगे तो टमेटोज, टी ओ एम ए टी ओ ई एस. रूल नंबर 7, वर्ड्स एंडिंग विद वाई रिप्लेस. रिप्लेस का क्या मतलब होता है? यहाँ बदलना, यहाँ पे शब्द बदलेगा. थोड़ा ध्यान से समझना ये फॉर्मूला. वर्ड्स एंडिंग विद वाई रिप्लेस वाई विद आई ई एस, माने वाई कट जाएगा. बहुवचन में जब हम जाएंगे, वाई कट के क्या लगेगा? आई ई एस, एक शब्द कटेगा, तीन शब्द लगेंगे तो बहुवचन बन जाएगा. इसका उदाहरण देखते हैं. बेबी, सो बी ए बी वाई, वाई को काट दिया हमने. जब प्लूरल में गए, क्या लिखा हमने बेबी का बहुवचन? बी ए बी आई ई एस, क्या लगाना था हमने? आई ई एस. सेम कॉपी, सी ओ पी वाई, कॉपी, वाई कट गया, क्या लगा? सी ओ पी आई ई एस, कॉपीज. इसके जैसा एक और एग्जांपल ले लिया हमने बेटा, फ्लाई, एंडिंग विद वाई, गोइंग टू प्लूरल, कट वाई, एड आई ई एस, सिंपल, एफ एल आई ई एस, मक्खियां. ठीक है. अब यहाँ पे हमने ये रूल तो आपको बता दिया बेटा, लेकिन कुछ एक ऐसे इंग्लिश में शब्द आते हैं जिनके ऊपर ये वाला रूल नहीं लगता. ठीक है. आप बोलो कि भैया मेरे को तो पेपर में मंकी आया था, तो मैंने तो वाई काट दिया, मैम ने बोला था आई ई एस लगा दिया. नो, मंकी विल स्टे एज मंकी. व्हेन वी मेक इट एज प्लूरल वी पुट एस ओनली, मंकीज. ठीक है. सो एम ओ एन के आई ई एस नहीं बनेगा. क्या बनेगा? एम ओ एन के ई वाई एस, मंकीज. ये याद रखने होते हैं कुछ शब्द हमको. ठीक है. मंकी का मंकीज. एंड एक शब्द और आ गया ऐसा, आपके लिए एग्जाम्पल देते हैं. चलो सोचते हैं. डंकी बिल्कुल मंकी के जैसा है, राइट? मंकी बंदर, डंकी का मतलब होता है गधा. तो हमने जब डंकीज बनाया तो आई ई एस नहीं लगेगा. क्या लगेगा? एस, डी ओ एन के ई वाई एस, डंकीज, बहुवचन. ये सही है. रूल नंबर, वर्ड्स एंडिंग विद लेटर एफ. लेटर का तो मतलब हमें पता है ना सबको क्या होता है? शब्द. लेटर एफ रिप्लेस एफ, रिप्लेस फिर से आ गया, मतलब बदलेंगे हम, वो काट देंगे, क्या लगेगा? वी ई एस, एफ काट के वी ई एस. व्हेन वी आर मेकिंग अ प्लूरल वर्ड, लीफ, एग्जांपल में लिखा हुआ लीफ, तो हमने एल ई ए एफ एस, नो, रॉन्ग, एफ को काट दिया, एल ई ए वी ई एस. ठीक है. सो रॉन्ग वर्ड क्या होगा हमारा? एल ई ए एफ एस, रॉन्ग, एल ई ए वी ई एस, लीव्स. सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल, थीफ, चोर. अब बहुत सारे चोर होंगे तो क्या आएगा? एफ कटेगा और क्या लगेगा? वी ई एस, टी एच
IEVES, बहुवचन बहुत सारे चोर, एकवचन थीव, बहुवचन थीव्स, फॉर्मूला इज रिप्लेस एफ विद VES. ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 9, वर्ड्स एंडिंग विद एफ ई, रिप्लेस एफ ई विद VES. ये भी थोड़ा सा सिमिलर फॉर्मूला है बेटा ऊपर वाले की तरह. एग्जाम्पल इसका, नाइफ, के एन आई एफ ई. सो व्हाट विल वी डू, हम दो शब्द हटाएंगे पीछे से, ठीक है, एफ भी हट जाएगा, ई भी हट जाएगा, पहले तीन शब्द रहेंगे, के एन आई वी ई एस, नाइव्स, टू मेक इट plural. So we have to memorize these words. One knife, K-N-I-F-E. Many knives, K-N-I-V-E-S. F-E cut gaya. Uski jagah aaya V-E-S. Similarly, another example, life. Toh formula kya humne sikha? Jo shabd F-E se शुरू एंड होते हैं वो एफ ई कट गया, क्या लगा, एल आई वी ई एस, लाइव्स इज द करेक्ट वर्ड. सो वी विल मेमोराइज ऑल दिस रूल्स. वर्ड्स भी याद करो अच्छी बात है, लेकिन अगर रूल्स याद करोगे तो कोई भी शब्द आपको दे देंगे आपको याद रहेगा कि कैसे करना है उसको. रूल्स को याद करना बहुत जरूरी होता है बेटा, पर समझ के याद करना.